नहीं भर रही है, क्या हो गया है तुम्हें? I'm sorry, Mom. तुम कमरे में नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें जाकर ले आऊं। आंटी अचानक नहीं बीमार हुई, वो शुगर और बीपी की पुरानी पेशेंट है, अगर उन्हें कोई और बीमारी होती तो लोग यकीन भी कर लेते। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नाजिया बहुत नखरीली है, तुझे तो अनपढ़ जाहिल समझती है, खांस भी नहीं डालेगी। मामा जब मेरे पास पैसा होगा ना तब आएगी मेरी कदर, तब मैं पढ़े लिखे अफसरों से भी आगे निकल जाऊंगा। मैंने ये बात तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ पहले तय कर ली थी कि हम सब मिलजुल कर उन्हें रखेंगे, वो दोनों किसी एक पर बोझ नहीं बनेंगे। स्वामी को बुरे लोग पसंद नहीं है, उसने हनीमून पे जाने से पहले मुझसे कहा था कि उनके आने से पहले मैं अम्मी अब्बा जी को कहीं और भेज दूं। अजी साहब क्या हुआ, आप यहां लेटे हुए? आप तो खालिद को रसीद देने गए थे। क्या हुआ अजीज साहब? हाँ कुछ नहीं। बताइए ना अजीज साहब, आप जब यहाँ से गए थे तो अच्छा खासा खुश खुश गए थे, वापस आए तो चेहरे को देख लीजिए, पता नहीं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, भाई तुम कब आई? बस थोड़ी देर हुई है। अस्सलाम वालेकुम दादा बू। मेरे साथ आंटी भी आई हुई है। अच्छा कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में बैठी हैं अलवीन आंटी के साथ, आपसे मिलना चाह रही हैं। अच्छा चलो फिर मिलते हैं, रसिया बहन मुझे भी बहुत याद आ रही थी, आज आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहे। क्या हाल है? कैसी हैं कुलसुम बहन आप? मैं तो आपको बहुत याद करती हूँ, और आप यहाँ कब से हैं? अल्लाह का शुक्र है बस चंद रोज ही हुए आए। अच्छा वो बेटा कैसा आपका, ठीक है? उसका क्लिनिक कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। आप लोग बातें करें, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। मैं आंटी की हेल्प करवा देती हूँ। और सुनाओ कैसी तबीयत है? तुम अंदर जाके बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहीं तुम्हारी दादी तुम्हारी सास से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। जाओ अंदर। अल्लाह ही बचाए भाई इस कुड़ी से, तो तौबा 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 तौबा, बहुत ही डंगर खोती कम अकल कुड़ी है ये। अल्लाह मेरी तौबा, बहुत यकीन कर तू, पूरा हफ्ता बल्कि तू महीना ही ला ले, पूरा महीना हो गया इसको सखा सखा के कि इसको कोई वसब आ जाए, पर हराम है, कहां से सीखेगी ये? और इसको कोई वसब नहीं है, ये हमारी थी को देख लो, सीना परोना पूरी हुनरमंद है मेरी थी। अरे ताई जी अगर नहीं सीखना चाहती ना सीखे। लवेखा ना सीखे, क्यों ना सीखे? ए मेरे पुत्र मेरे कहने का मतलब ये है कि कुड़ियों को सिर्फ कार में तो नहीं ना बिठा छोड़ना होता, आखिर इनका ब्याह करना होता है, सौरों के घर जाना होता है इन्होंने, अगले फिर ना छितर मारते हैं घर वालों को, अगले तो मेरा जुंडा पुटेंगे ना कि क्या मतलब सिखा के भेजा इसको। जो जी माँ बदनाम हो जी ती बदनाम, अल्लाह माफ करे, चुप कर जा पुत, मैं बहुत तंग आई भी ना, मेरी ती भी तो है ना, मेरी सफिया माशाल्लाह हांडी रोटी सीना परोना, अल्लाह के फजल से हर काम उस बेचारी बच्ची को आता है, देख ले जिस कार भी जाएगी ना मेरी सफिया, वहां पे अल्लाह के फजल से चानन हो जाएगा। और सच याद आया मैनू,
सफिया ने देसी घ्यो पा के ना बड़े स्वादी लड्डू बनाए हैं, अपने पुत को खुवाऊंगी आज। अरे ताई जी सब छोड़े ना, ये बताएं ताए कब आएंगे? ताया तेरा हरे खदा जाने, जो तड़के वेले का गया हो और शामे पड़ गई है वो तो अपने घर वालों को मरा ही समझता है। बड़ा ही आवारा हो गया तेरा ताया भाई। नहीं कि मान रोन रही है बह के, चल जा तो कपड़े चंगी तरह साबुन काट इनमें से। मेरा बच्चा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दादी तुम्हारे पास ही रही ना, तुम्हारे पास रही। वो देखो क्या आ गया भाई। अम्मा जी ये लीजिए फ्रूट खाइए। खाओगे? रेहाना देखो तो तुम इसे खाने को नहीं देती, मेरे बच्चे को देखो इतना दुबला हो गया है। अरे क्यों नहीं खिलाती अम्मा जी, क्या कह रही हैं आप? घर में हर चीज मौजूद है, दूध गोश्त फ्रूट, लेकिन जब इसको मिलता नहीं था ना तब तरसता रहता था, अब सब चीजें घर में तो खाता नहीं है। नहीं, नहीं, ये देखो 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 कैसे खा रहे। खाने को नहीं देती ना अम्मा, गंदी है। तौबा तौबा तौबा, झूठे गंदे बच्चे, कितना झूठ बोल रहा है, देखे तो कैसा शोखा हो रहा है, मेरी शिकायतें लगा रहा है, बदतमीज गंदे बच्चे। अम्मी भागने वाले घोड़े का ख्याल ना रखा जाएगा तो अपनी ही कमाई कम होती है। मैं चंद दिन के लिए दादी अम्मा को लेकर आती हूँ, शहीर उनके हाथ से खाता है, कुछ सेहत बन जाएगी तो उसकी कमजोरी की वजह से दौरे भी जल्दी जल्दी पड़ते हैं और जो उसके लिए और हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये बेटा अच्छा 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 पाला पाला खाएगा खाएगा खाएगा। बिलाल भाई आप मुझसे हमदर्दी नहीं किया करें, वैसे भी आपकी वजह से मैंने ताई से बहुत डांट खाई है। तो क्या इसी तरीके से यहाँ सारी जिंदगी काम करती रहोगी तुम? और मेडिकल की पढ़ाई का क्या तुम्हारी? मेडिकल डॉक्टर बनने का ख्वाब तो मैंने देखना ही छोड़ दिया है। उबा जो ख्वाब नहीं देखते वो जिंदा नहीं खिलाते, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। तेर अब्बा जी अम्मा जी का बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया जाने, पहले तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि वो हाँ वो फौजिया जिद कर रही थी कि मैं दादी अम्मा को साथ लेकर जाऊंगी और शहीद की वजह से कुलसुम भी मांग गई। ओह चले अच्छा हुआ, अम्मा जी बहुत उदास थी शहीद की वजह से। काश तुम्हारी अम्मी की तरह कोई मुझे भी चाहने वाला शहीर होता तो मैं मजबूर ही नहीं सही, लेकिन चंद दिन के लिए मैं उसके घर चला जाता। अब तो मैं दूर दूर नजर छोड़ाता हूं तो मुझे कोई भी अपना दिखाई नहीं देता। क्या बात है अब्बा जी, आप तो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या? नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी वजह से तुम लोगों को शायद प्रॉब्लम है। नहीं अब्बा जी हमें भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी वजह से। आलेद बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम भी तो अपनी बीवी के घर में मजबूर गुलाम बने हुए हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। अब्बा जी अगर आपने सारी बातें सुनी ली हैं तो आपको यह भी इल्म होगा कि मैंने अलवीना को यह बात कहने पर समझाया था। तुम्हारा मसला यह है कि तुम बीवी के हाथों कंट्रोल होते हो। भैया देखो देखो यार मैं तुम्हें क्या कहूं। हाँ मैं सोचता हूं कि जब तक तुम्हारी अम्मी आबिद की तरफ है
मैं भी चंद दिन के लिए अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाऊं। क्यों अब्बा जी, क्यों जाएंगे आप? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे हमारे पास, हमारे घर में। आपके लिए ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं है, आप सो जाइए, मैं सुबह आपसे बात करूंगा। शब बखैर, शब बखैर। क्या इसका मतलब है कि वो चोरी छुपे हमारी बातें सुनते हैं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम बोलती इतना जोर से हो कि दूर दूर तक आवाज जाती है। कभी अपना लहजा देखा है तुमने? गलती हो गई मुझसे जो मैंने निक्की का कमरा अब्बा जी को दे दिया। मुझे उन्हें एनेक्स में सेट करना चाहिए था। क्या अब्बा जी एनेक्स में रहेंगे? तो उसमें क्या बुराई? एनेक्स भी घर का एक साफ सुथरा पोर्शन है। अम्मा जी और अब्बा जी आराम से उसमें रह सकते हैं और फिर सोमी भी कंफर्टेबल रहेगी। अब्बा जी नाराज हो जाएंगे ना? क्यों, हम उन्हें कोई बेआसरा तो नहीं कर रहे। एनेक्स घर का एक साफ सुथरा मॉडर्न पोर्शन है, बल्कि आपके उस आशियाना से ज्यादा साफ सुथरा है। बड़े मियाँ के तो नखरे ही खत्म नहीं। अच्छा, मेरी अम्मा जी आप सो गई हैं? नहीं बेटा, जाग रही हूँ, आओ बैठो। पता है अम्मा जी, आज कितने दिनों के बाद मैंने शहीर को इस घर में इतने आराम से सुकून से सोते देखा। वरना तो इतना शोर मचाता था, रियाना को जिज कर देता, बड़ी मुश्किल से इसे नींद आती थी, पता नहीं क्यों। हालांकि पहले तो ये बहुत सोता था। अरे बेटा, भूखे पेट नींद कहाँ आती है? भूखा? लेकिन रियाना तो इसे हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती है। बेटा, शहीर को ना बचपन से ही आहिस्ता आहिस्ता खाने की आदत है और रिहाना जल्दी करती है, इसीलिए वो भूखा रह जाता है। आपका दिल तो खूब लगा होगा खालिद की तरह। वो कैसे? माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है उसका, आगे पीछे नौकर चाकर खिदमत के लिए। अरे बेटा, दिल का लगना बड़े घरों नौकरों चाकरों से मुमकिन होता ना तो जितने ये बड़े घर वाले होते ना, ये नींद की गोली लेके ना सोते। मुझे देखो, मैं वहां आशियाने में बड़ी खुश थी, आधी रोटी खाती थी, दिन भर काम करके थक के सुकून से सोती थी। अब तो बेटा एसी वाले कमरे में भी जिसमें सुलगता है, नींद के इंतजार में ना फजर हो जाती। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो। अब्बा जी, दरअसल एनेक्सी में आप बहुत आराम और सुकून से रहेंगे। एक्चुअली सोमी को ऊंचा म्यूजिक सुनने की आदत है, आप डिस्टर्ब होते हैं। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, बस इतनी मेहरबानी करना कि हमें गेट से बाहर ना निकाल दें। अब्बा जी, आप कैसी बातें करते हैं, आप आराम करें, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, आज दानियाल और सोमी आ रहे हैं। अख्तर, एनेक्सी को अच्छी तरह साफ करवा देना और वॉशरूम को अच्छी तरह एसिड से क्लीन कर देना। जी बेगम सर। मारूंगी मैं तुम्हें शहीर, बहुत बिगड़ गए हो तुम।
कितनी देर से लोग वहाँ पे बैठे हैं और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे हैं। क्या बात है बेटा, ये शहीद क्यों चीख रहा है, क्या हुआ बेटा? अम्मा जी बहुत बिगड़ गया, ये बदतमीज हो गया है। देखे ना वहाँ पे लोग आके बैठे हुए और इसका मूड ही सीधा नहीं हो रहा है। कौन से लोग आए हुए? अरे अम्मा जी शिफा पाने वाले बेचारे मजलूम गरीब मुसीबत के मारे लोग, और इसको देखे जरा मूड ही सीधा नहीं हो रहा इसका। अम्मा जी आप ही इसको समझाइए ना, आपकी बात तो बहुत मानता है। अब देखिए ना कौन से पहाड़ तोड़ने, सिर्फ हाथी तो लगाना है ना। नहीं, नहीं जाना चाहते तो छोड़ दो ना, जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अच्छा मैं खुद ही ले जाती हूँ। मेरा बच्चा आइसक्रीम खाएगा ना? चॉकलेट भी। चलो चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। हाँ 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 चॉकलेट भी दूंगी, आइसक्रीम भी दूंगी मेरे बच्चे को। चलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। फौजिया बेटा अपनी दादी से कहो ना कि चंद दिन के लिए हमारे पास आके रह ले। मैं आपका पैगाम दादी अम्मा को दे दूंगी। अच्छा अम्मी आप अपनी दवाई टाइम से ले लीजिएगा। अच्छा बेटा ले लूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वहां तो कुसुम बहन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो यहाँ आ जाए तो खुद अपनी आंखों से फौजिया के जिद और हठधर्मी को देख सकती हैं। फिर मैं भी तो इनसे कहूंगी कि फौजिया पर जोर दें कि वो जॉब छोड़ दे। रेहाना अब तुम यहां बैठी हो है? अब मैं अच्छी तरह समझ गई कि मेरा बच्चा शहीद इतना कमजोर और निढाल क्यों हो रहा है। भाई आधा आधा दिन तुम उसे खाना नहीं खिलाओगे और उसकी मर्जी के बगैर ले जाके लोगों को हाथ लगवाओगे तो बच्चा कैसे सेहतयाब होगा? अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, जरा सा हाथ लगाने से कमजोरी थोड़ी हो जाती है। ए जरा सा हाथ, ए क्या हो गया तुम्हें? 2 घंटे से मेरा बच्चा नीचे भूखा बैठा हुआ है और तुम्हें एहसास ही नहीं है? अम्मा जी आपको सिर्फ शहीद ही नजर आता है, मैं जो दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती हूँ ये तो कभी आपको नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं जाके अपने बच्चे को खुद खाना खिला। रहने दीजिए आप, मैं खिला दूंगी। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। मेरा बच्चा पता नहीं कब से भूखा बैठा हुआ है। ये शहीर को अभी सुलिया में देख लेंगे। देखती हैं तो देखें अब कब तक छुपाऊंगी मैं। इससे चंगा रिश्ता तेरी पतिजी के लिए और कोई नहीं आ सकता। वो तेरी नजर में वो डोर डंगर खोती है जबकि वो अकलमंद और हसास लड़की है। उसके लिए मैं तेरे उस खालाजाद रणवे का रिश्ता कबूल कर लूं? यार तेरी अम्मी और नानी जैसी बुद्धू और सादा खवातीन को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल है? कह देना कारोबार के सिलसिले में गया था। अबे तू मेरी अम्मी और नानी को अपनी घरेलू खवातीन जैसा मत समझ, बाल की खाल खींचती हैं और खाल से शहर बरामद करती हैं। धड़कने जिनसे बंधी है उन्हें तन्हा ना करो, बहते